एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपको बताने वाली हूं एक DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ, जो कि आप कुछ इंग्रेडिएंट्स खुद ही लेके कोई भी चीज अगर आप खुद से बनाते हैं तो उसी को DIY बोलते हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको आप मिक्स करके आप अपना फेस पैक बना सकते हैं और उस फेस पैक को आप विंटर्स में यूज कीजिए। विंटर्स में आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, नरिश रहेगा आपकी स्किन के लिए। और आप इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है कि आपको ये भी मिलाना है वो भी मिलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मैं आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, उन्हीं से आपका फेस पैक तैयार हो जाएगा और विंटर्स के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। वो आज मैं जो आपको फेस पैक दिखाने वाली हूँ उसमें मैं मिला रही हूँ ये पतंजलि का हनी। जो हनी है वो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, इसीलिए मैं इसमें हनी डाल रही हूँ, क्योंकि अब विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो उसके लिए हमें हनी की जरूरत पड़ती है। और हनी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है, तो मैं यहाँ पे पतंजलि का हनी ले रही हूँ। ये 70 रुपीज का आता है, 12 मंथ्स की आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। आप किसी भी कंपनी का हनी ले सकते हैं, डाबर का भी ले सकते हैं आप। और इसमें आज मैं डालूंगी ये दिव्य गुलाब जल, ये भी पतंजलि का ही है और इसकी प्राइसिंग है 28 रुपीज और इसमें आपको एक साल की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। तो आप हनी भी कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी का लें। मैंने इसका लिया है बिकॉज मैं दोनों चीजें एक ही ब्रांड की यूज कर रही हूँ। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों चीजें एक ही ब्रांड की यूज करें, आप चाहे तो हनी भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और ये भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब मैं 1 स्पून इसके अंदर हनी डालूंगी। अपनी फेस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, इसको आप बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसे ना ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको फेस पे यूज कीजिए, आप इसको बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हनी जो होता है ना उससे स्किन में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो ये 1 स्पून मैंने इसमें हनी ले लिया है और अब मैं इसमें रोज वाटर मिक्स करूंगी। रोज वाटर से क्या है ना आपकी स्किन टोन हो जाती है, बहुत अच्छा नेचुरल टोनर होता है ये। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। इसमें देखिए मैंने इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, सिर्फ 2 ही चीजें हैं और आप इसमें ना आप अपने फेस में फर्क देखिएगा जब आप इसको करेंगे, क्योंकि विंटर्स के लिए ना ये बिल्कुल बेस्ट वाला फेस पैक है। होममेड अगर आप कुछ यूज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। और अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ये फेस पैक बनाया, मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ और ये आपकी स्किन में बिल्कुल मैजिकल वर्क करेगा। आप इसको वीक में ना 2 बार आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, आप इसको आराम से आप लगाइए। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेस पैक को हमेशा ऐसे करके लगाना चाहिए। ऐसे आप इसको यूज कीजिए और ये बहुत अच्छा आपको वर्क करेगा आपके फेस पे। हनी तो ना वैसे भी फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको अपनी डाइट में भी शामिल कीजिए। आपकी डाइट में भी हनी होना चाहिए। आप इसको दही में मिला के खा सकते हैं या फिर आप वैसे भी इसको ना दूध में मिला के पी सकते हैं। और दूध में हनी पीने से ना क्या होता है आपकी स्किन को वाइटन करने का काम करता है, ब्राइटन करने का काम करता है हनी। तो आप इस तरह से आप इसे लगा लीजिए और इसको ना आपको हफ्ते में ना एक आप इसको 2 बार लगाइए। और हाँ एक चीज और, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करेगा ही और इसके अलावा आपकी स्किन को कलर भी फेयर करने का काम करके। देखिए अभी बच गया है और आप इसको चाहे तो अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं, अपनी बॉडी पे भी इससे ना मसाज कर सकते हैं और फिर आप वॉश कर लीजिए तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अब मैं जब ये सूख जाएगा तो मैं वॉश करने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब देख सकते हैं मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, ऐसे आपको डैप डैप करके आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। और यार देखिए आप कितनी ना स्किन सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो गई है, मॉइस्चराइज लग रही है बहुत ज्यादा, जैसे कि विंटर्स में ड्राई ड्राई हो जाता है तो वैसा फील नहीं हो रहा है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने देखा मैंने आपको फेस पैक बना के भी दिखाया, लगा के भी दिखाया और अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा मेरी स्किन सॉफ्ट हो चुकी है। मेरी स्किन ऑयली है, मैं कोई भी सर्दियों में भी मैं कोई कोल्ड क्रीम यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऑयल आ जाता है, इसीलिए मैं इस तरह के DIYs यूज करती हूँ जिससे कि मेरी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है और ऐसे मुझे ब्रेकआउट्स वगैरह भी नहीं होते हैं। तो हनी तो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है वैसे भी उसमें, और
जो रोज वाटर होता है वो आपकी स्किन को टोन करता है। तो दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको कोई हार्म नहीं होगा। आप इनको ड्राई स्किन वाले हो, आप नॉर्मल स्किन वाले हैं, आप ऑयली स्किन वाले हैं, आप इसको बिना किसी डर के आप इसको फेस पैक को यूज कर सकते हैं। वीक में 2 टाइम आप इसको यूज कीजिए और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। और तो आज के लिए यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरा DIY फेस पैक पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बेल बटन अगर आपने हिट नहीं किया है तो आप हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन, बाय।